करनाल में संत बाबा रामसिंह द्वारा दी गई शहादत को देखते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मौन रखा गया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के आह्वान पर यह मौन रखा गया है। जानकारी देते हुए असंत के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि संत बाबा रामसिंह महाराज द्वारा किसानों के आंदोलन से आहत होकर इस तरह का कदम उठाया गया है और अपनी शहादत दी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा की सरकार जो काले कानून लेकर आई है, ऐसे काले कानून तो अंग्रेजों के समय भी नहीं थे, परंतु यह सरकार अंग्रेजों से भी बुरा व्यवहार किसानों के साथ कर रही है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में शहीद हुए 22 किसानों की शहादत को देखते हुए इन काले कानूनों को तुरंत रद्द करना चाहिए। हम आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में संत बाबा रामसिंह की शहादत को नमन करते हुए मौन रखा गया, जिसमें करनाल जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता ललित बुटाना, नरेंद्र सिंह विर्क, राजवीर चौहान व नवजोत कश्यप समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। में आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल के जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता। मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन के चलते सिंगड़े के बाबा राम सिंह के द्वारा जो शहादत दी गई है उसी के रोष स्वरूप ये यहाँ पर मौन व्रत धारण किया हुआ है और इसके बाद इनका आगे का क्या प्लान होगा, ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है असंत से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। गोगी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप बाबा जी की शहादत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस महान संत की जो शहादत हुई है, किसानों के दुख को देखते हुए और किसानों की पीड़ा को देखते हुए बाबा जी ने जो शहादत दी है, उसके लिए आज पूरे हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के देश से मौन व्रत रखने का कार्यक्रम हुआ है। हमने भी उसी के तहत 2 मिनट का मौन व्रत रखा है। सभी भाई साथी आप देख रहे हो इकट्ठे हुए हैं। अभी हमने संस्कार पे जाना है, 11 बजे का संस्कार है। तो मेरी एक अपील है सरकार से कि 22 किसानों की कुर्बानी हो चुकी है इस किसान आंदोलन में, सरकार अपनी जीत छोड़े और इस देश के अन्नदाता की पीड़ा को समझे और उनकी बातें माने। ये काले कानून, ऐसे कानून तो अंग्रेजों ने भी नहीं बनाए थे जिस तरह के कानून इन्होंने बनाए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सलाह दी है कि इसको अवेंस में भेज के आप कमेटी बना के नए सिरे से इसका वो कर लो। तो सरकार को संवेदनशील बनना चाहिए, ना कि राजतंत्र नहीं है ये, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे सर्वोपरि होती है। जनता ने ही उनको बनाया है। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को ये भी याद रखना चाहिए कि बाबा राम सिंह जैसे संत की शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उसकी कीमत भी इस सरकार को चुकानी पड़ेगी। जितनी जल्दी सरकार समझ जाए उतना ही देश के भले में। ये थे विधायक गोगी जी, जिन्होंने विस्तार से बता दिया। अब मैं बात करूंगा पूर्व विधायक बंताराम जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो प्रदेश और देश के किसान मजदूर जो साथ दे रहे हैं, ये संत रामदेव जी नानक सर सिंगड़ा के जो विद्वान और विद्वता के धनी थे, उन्होंने जो साथ दी है ये संत रामदेव राम सिंह जी के साथ व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्हें किसान मजदूर किस तरीके से धरती माता का सीना चीरने वाले अन्नदाता वहाँ पर तड़फ रहे हैं और ठिठुरती हुई सर्दी में जो आना के भी मर रहे हैं। किसान सरकार को चाहिए, इस निर्दयी सरकार को चाहिए कि अपना ये रवैया छोड़ करके किसानों की बात सुने और जो ये 3 काले कानून हैं इनको निरस्त कर देना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते किसानों पे जो हो रहे अत्याचार है ना, वो बाबा राम सिंह जी है ना बर्दाश्त नहीं कर सके जिन्होंने अपनी शहादत दी है, क्योंकि ये कठोर और निर्दयी सरकार जो है किसानों पे, इतने सर्दियों में वहाँ लोग पड़े हैं और वो जो पड़े हैं
उनके बेटे भी जो है ना जवान जो है ना वहाँ पे बॉर्डरों में खड़े हैं, वो जनता की रक्त छीना पाट करके अन्न खिलाते हैं, अन्न देते हैं और पब्लिक की पूरी सेवा करते हैं। तो ऐसे आदमियों को ये आवाज़ सुननी चाहिए थी, उन्होंने ना सुनते हुए बाबा जी राम सिंह जी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इस दुख में दुखी होकर मन से उन्हें अपनी शहादत दे दी। सर, आप इस काले कानून के बारे में क्या कहेंगे कि बाबा जी की जो शहादत है क्या वो जाया जाएगी? बिल्कुल, जो बाबा जी अपने राम सिंह जी थे वो एक बहुत पूजनीय और माननीय एक शख्सियत है, उनका ये बलिदान किसानों के प्रति जो उन्होंने दिया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी शहादत जो है किसानों के लिए एक मिसाल है और किसान जो है अपने 3 कानून जो है वो ही चाहते हैं कि इस कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार, केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार और RSS जो है, ये अपना अड़ियल रवैया समाप्त करें और किसानों के हक में आके बात करें, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जिसका एक लड़का जो है वो जिम्मेदार है, किस खेत में है, और दूसरा जो है जो अपने बॉर्डर की सुरक्षा करता है। अगर हमारे देश का किसान अगर ठीक नहीं है तो इस देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है। देखिए, ये तो हमारे मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे सारे प्रकरण के बारे में? देखिए, जो ये प्रकरण हुआ है ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही शर्मनाक प्रकरण है कि सरकार के विरोध जताने के लिए एक संत को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। संतों के साथ साथ आज देखो किसान, बहुत से किसानों ने भी अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी हैं। तो ये जो सरकार कर रही है काले कानून लागू करके, इन्होंने क्या किया है कि हमारे देश की जनता को एक किस्म से इतना मजबूर कर दिया है कि वो अपने प्राण त्याग दे। जो किसान है, हमारे देश का अन्नदाता है, इस अन्नदाता का क्या है कि ये चाहता है कि हर एक के घर में रोटी मिले, और इस किसान की रोटी ही इस सरकार ने छीन ली है। जो हमारी सरकार है, जो ये सरकार है, इस सरकार का क्या है कि ये सरकार किसानों को इतना मजबूर कर चुकी है कि वो अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। अगर उन्होंने जन आंदोलन किया है तो ये जन आंदोलन इस बात का प्रतीक है कि जिस तरह से आज़ादी से पूर्व हमारे देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए सभी लोग एकत्रित हो गए थे, आज सरकार के खिलाफ हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग इनके खिलाफ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि ये जो सरकार है ये है चोरों की सरकार। इस चोरों की सरकार को भगाने के लिए अब एक क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है, वो जन आंदोलन हो रहा है, वो जो किसानों ने शुरू किया है, अब वो सब उसमें सारे लोग उसमें एकत्रित होकर उनका साथ देंगे। और जब ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक की सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती, इन किसानों की मांगों को मान नहीं। मैडम, आपका क्या कहना है और आपका सबसे पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम सुषमा नागपाल है। तो हम तो एक इस टाइम किसी पार्टी की ओर से नहीं, सिर्फ एक इंसानियत के तौर पर हम किसानों के साथ है। जो इस टाइम कल शहादत दी है उन्होंने, उसके लिए हम बहुत ही दुख में है इस बात को लेके कि इतना नहीं होना चाहिए था। सरकार को अब तो अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। सरकार है कि आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रही है, एकदम पता नहीं क्या लेके चल रही है। किसी के उद्घाटन करे, किसी के कुछ इधर करे, किसान ठंड में इसमें मर रहे हैं इस टाइम, और वो नज़र नहीं आ रहा किसी को। और इस बात के लिए हम बहुत दुखी हैं और पूरी जनता, क्या पूरा इंडिया ही दुखी है इस टाइम। ये देखिए, ये थे हमारे साथ लोग जो ये बता रहे थे कि बाबा राम सिंह जी की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, सरकार को आप अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि किसानों की दशा को देखकर बाबा राम सिंह जी ने, सिंगड़े वाले बाबा राम सिंह जी ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके प्राण त्यागने को शहादत का रूप दिया गया है, शहादत दी है उन्होंने किसानों के प्रति। इससे पहले शमशेर सिंह गोगी जी हमारे को बता चुके हैं कि अभी तक कुल 22 किसान इस आंदोलन के चलते मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और सरकार की आंखें अभी तक नहीं खुल रही। सरकार कितनी आहुतियाँ चाहती हैं, कितने बलियाँ चाहती हैं, कितने बलिदान चाहती हैं, वो बलिदान वो देने को तैयार है, बशर्ते कि सरकार अपने जो एक जो काले कानून जबरदस्ती किसानों पर थोपे जा रहे हैं, अन्नदातों पर थोपे जा रहे हैं, उनको बशर्ते कि वो वापस ले लें। लेकिन सरकार है कि उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। मैं आपको बता दूं कि किसानों का ये आंदोलन पिछले कई दिनों से, लगभग 20 से भी अधिक दिन हो चुके हैं किसानों के इस आंदोलन को। किसान सड़कों पर बैठे हैं, सर्द भरी रातों में बैठे हैं, कुछ जवान किसान भी मृत्यु का ग्रास बन गए हैं। बाबा जी की शहादत के बाद इस आंदोलन का क्या रूप होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सब का ये कहना है कि एक संत ने जो शहादत दी है, किसानों की दशा को देखकर वह व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और जो हटीपन वो दिखा रही है, जो हठधर्मिता वो दिखा रही है, उसे छोड़े, कानूनों सरकार के किसानों की बातों को समझे और अपने इस काले कानूनों को वापस ले। मैं तरुण मदन, सीनियर कैमरा पर्सन, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.